अच्छा भाई दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक है? अच्छा, आज बहुत जरूरी टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ। टॉपिक जो आज का मेरा है वो है एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज। बेसिकली ये टॉपिक थोड़ा हटके है, लेकिन मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चूना लगा है, और मुझे चूना अच्छा खासा लगा है। थोड़ा बहुत नहीं लगा, क्योंकि मैंने जब यूके आना था तो मेरा सिनेरियो ये था कि मैंने उकाड़ा से मैंने करना था ट्रेवल लाहौर अपनी फ्लाइट के लिए। रात 2 बजे मेरी फ्लाइट थी, तो मुझसे गलती ये हुई। मैंने सोचा कि चलो जब मैं जाऊंगा तो मैं तब ही एक्सचेंज करवा लूंगा, लेकिन वो घर से निकलते निकलते देर हो गई, और लाहौर में जितने भी एयरपोर्ट से हट के जो लाहौर सिटी में एक्सचेंज, वो बंद हो चुके थे, क्योंकि वो 10 बजे ऑलमोस्ट सभी बंद हो जाते हैं। तो मुझे जो उससे नुकसान हुआ है वो तकरीबन हुआ है मुझे कोई 1 लाख रुपए का। मैं कोई घर से निकला था 1700 पाउंड लेके का बजट लेके पाकिस्तानी करेंसी में। तो जब मैं लाहौर पहुंचा तो एक्सचेंज बंद थे, तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही थी कि मैं एयरपोर्ट से एक्सचेंज करवा लूँ। वहाँ पे जब एक एक्सचेंज पे गया उन्होंने कहा है नहीं, एक और पे गया उन्होंने कहा अंदर है। अब अंदर मैं गया तो उन्होंने कहा कि बाहर है, अंदर नहीं है हमारे पास पाउंड्स। तो फिर मैं किसी रेफरेंस का सहारा लेके मैं बाहर आया। बाहर उन्होंने पूछा कि आपके पास एग्जैक्टली हैं कितने, ठीक है? उन्होंने कहा कि हमारे पास इस टाइम है 300 समथिंग, 320 या 340। मैंने कहा ये मुझे दे दे। अब पहला चूना मुझे वहां पे लगा है, क्योंकि बाहर जो रेट था पाउंड का, वो जो सेलिंग प्राइस है उनकी, वो 368 थी। वैसे 365 64 65 तक का पाउंड है, लेकिन वहां पे भी आपको पता है 2 रुपए या 3 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, तो वो 368 थी बाहर। मैं 370 के हिसाब से 1700 पाउंड का बजट लेके निकला था, लेकिन वहां पे मुझे रेट लगा 380 रुपया एयरपोर्ट से, ठीक है? वो जो 320 या 40 मुझे पाउंड मिले, मैंने वो ले लिए। अब बाकी अमाउंट, क्योंकि पाकिस्तान से अलाउ नहीं है, आप पाकिस्तानी करेंसी बाहर नहीं लेके जा सकते। 10 से 15 हज़ार मैक्सिमम अलाउ है। अगर उसके इससे ज्यादा आप ले जाते, पकड़े गए, तो आपकी अमाउंट जबत है। ये भी बात आपने माइंड में रखनी है। तो मेरी मजबूरी ये थी कि मैंने पाउंड्स मिल नहीं रहे थे, तो मैंने उसको कन्वा लिया यूरोज में कन्वर्ट। अब दूसरा चूना मुझे यहाँ पे लगा। अब यूरो का मुझे नहीं एग्जैक्ट रेट पता कि क्या था, लेकिन वहां पे एयरपोर्ट से मुझे रेट उसका कोई 10 से 15 रुपए एक्स्ट्रा भरना पड़ा। तो दूसरा चूना मुझे यहाँ पे लग गया, ठीक है? अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास अभी पाउंड आए थे 320 या 30 थे, जितने भी थे। अब नेक्स्ट जब मैंने मूव किया, मैं एयरपोर्ट पे आया, तुर्की के जो एयरपोर्ट है वहां पे आया, वहां पे मैंने एक्सचेंज नहीं करवाया। रेट का मैंने आइडिया लिया, लेकिन वो पाउंड कम बन रहे थे। तो मैं आ गया यूके एयरपोर्ट पे। मैंने कहा कि चले, यहाँ पे ये होगा कि तुर्की तो एक साइड पे आता है, ये भी यूरोप के साथ साथ है या अंडर है या जो भी है, गुआंडी ने आपस में। मैंने कहा यहाँ से करवा लेते हैं, ये यूरो की जो प्राइस है ना वो अच्छी देंगे। अब तीसरा चूना जो सबसे बड़ा मुझे यहाँ पे लगा है ना, वो है, अब मैंने, मेरे पास थे 1630 या 40 या 50, इतने पाउंड थे, यूरोज थे मेरे पास। अब वो अगर मैं कन्वर्ट करवाता तो वो मेरे पास बनने थे कोई 1400 1450 1350 यहाँ पे, अगर वो एग्जैक्ट रेट लगाते तो। लेकिन जब वो मुझे असल चूना लगा वो यहाँ पे लगा, मैंने उनको 1600 1650 यूरोस दिए, और उन्होंने मुझे पाउंड जो दिए थे ना, वो मैं देख के हैरान था। अब मैं उनसे ले भी बैठा, मेरा दिल करे कि मैं वापस कर दूं, वो उन्होंने मुझे पाउंड दिए थे 1114 पाउंड। अब मैंने ले लिए, अब मेरा दिल करे कि इनको वापस कर दूं, लेकिन मैं सिग्नेचर कर बैठा था, मसला ये था। लेकिन जहां पे मेरा 1700 पाउंड था, वहां पे मेरे पास रह गया 1400 पाउंड।
तकरीबन तकरीबन 1 लाख रुपए का मैं घर से आते हुए यूके के एयरपोर्ट तक मैं चूना लगवा चुका था। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ये गलती ना करें, ठीक है, स्कैम से बचें। यूके के हर सिटी के अंदर एक्सचेंज है, जो आपको एग्जैक्ट रेट अगर नहीं मिलेगा तो आपको अच्छा रेट कम अज़ कम ज़रूर मिलेगा। तो ट्राई करें कि एयरपोर्ट से कभी भी एक्सचेंज ना लें, अपनी तैयारी पकड़ के निकलें, पहले अपने ले के रखें या उस हिसाब से निकलें कि सिटी के अंदर से आप ले लें। एयरपोर्ट के स्कैम में कभी भी नहीं आए, ठीक है ना। तो ये वीडियो यहाँ तक है, बाकी जो भी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं मैं आपके साथ बकायदा शेयर कर रहा हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट करें। टेक केयर।